नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के एक नए और बड़े अपडेट के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो चुनाव आयोग से लेकर मतदाता तक अब पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में आ गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस साल 11 चरणों में मतदान होना है। यह पहली बार होगा जब ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में 6 पदों में से 4 पद पर जो है ईवीएम के माध्यम से चुनाव होगा, तो वहीं 2 पदों पर जो है बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। आपको बता दें कि 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा और 12 दिसंबर को जो है सबसे आखिरी चरण का मतदान किया जाएगा। चुनाव से ठीक पहले पंचायती राज विभाग की ओर से नए सिरे से मुखिया व सरपंच के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। पंचायत चुनाव से ठीक पहले जो बदलाव किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार है, तो वहीं इसके जिम्मे विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली पूंजी की निगरानी भी उनकी जिम्मेवारी होगी। सरपंच गांव में सड़कों के रख रखाव से लेकर सिंचाई की व्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे कार्य करेंगे। ऐसे में आइए अब समझ लेते हैं कि मुखिया और सरपंच के कौन कौन से अधिकार हैं। मुखिया को हर साल करनी होगी 4 बैठकें। पंचायती राज विभाग ने नए नियम के अनुसार मुखिया को अपने कार्य क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 4 बैठकें करनी होगी। बैठक के अलावा उनके पास ग्राम पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाने के साथ साथ प्रस्तावों को लागू करने की भी जवाबदेही होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे व अन्य शुल्क की वसूली का भी इंतजाम करना होगा। सरपंचों को भी मिले हैं 3 बड़े अधिकार। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंचों को 3 बड़े अधिकार दिए गए हैं। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार पहले से ही इनके पास है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की कार्यकारी एवं वित्तीय शक्तियां भी इनके पास होगी। अब इनके जिम्मे जो मुख्य कार्य होंगे उसमें ग्राम की सड़कों की देखभाल, पशुपालन व्यवस्था और इसके साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था करने के अलावा दाह संस्कार एवं कब्रिस्तान का रख रखाव कैसे किया जा सके, इन सब जिम्मेवारी जो है वो सरपंच के खाते में चली गई है। पंचायत समिति के जिम्मे भी होगा काम। पंचायत समिति को जो कार्य सौंपे गए हैं उसके अनुसार उन्हें केंद्र, राज्य और जिला परिषद के द्वारा सौंपे कार्य का निष्पादन करना होगा। इसके साथ ही साथ पंचायत समिति का वार्षिक बजट बनाना व बजट पेश करना भी होगा। प्राकृतिक आपदा में पंचायत समिति प्रमुख को 25,000 रुपये तक खर्च करने का भी अधिकार दिया गया है। तो ये 3 बड़े अपडेट थे जिसमें पंचायत समिति को जो है कई बड़े राज्य और केंद्र से आने वाली योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन करना है इसकी जिम्मेवारी दी गई। साथ ही साथ बजट को लेकर भी जो है बात कही गई है कि आप बजट जो है कैसे क्या कितना बजट कहाँ खर्च होगा इसकी जिम्मेवारी जो है पंचायत समिति सदस्य को दी गई है। इसके साथ ही साथ जो बड़ा अपडेट है और जिसके बारे में ये वीडियो बन रहा है वह है सरपंचों को लेकर, क्योंकि इससे पहले मुखिया के पास जो है कई बड़े अहम पद जो थे, साथ ही साथ कई पावर शक्तियां थी उनके पास, जो है अब सरपंचों के खाते में गई है। इसमें से 3 बड़े अधिकार जो है वो अब सरपंच के पास गए हैं, जिसमें से कहा गया है कि गांव की देखरेख को लेकर जो है और सड़कों के निर्माण को लेकर जो है बड़ी जिम्मेवारी सरपंच के पास गई। उसके बाद पशुपालन विभाग को लेकर लगातार बिहार सरकार भी सक्रिय है। ऐसे में उसने सरपंचों को जो है एक अधिकार दिया है कि आप जो इसकी पूरी देखरेख करेंगे। इसके साथ साथ संस्कार और कब्रिस्तानों की देखरेख की व्यवस्था जो है इनके पास है। साथ ही साथ कृषि में जो है सिंचाई की व्यवस्था जो है सरपंच के खाते में गई है। मुखिया के पास पहले से ही बैठकें करने का अधिकार है और अभी भी जो है उनको ये अधिकार जो है दिया गया है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव से ठीक पहले ये बड़ा अधिकार जो है सरपंच को दिया गया है, साथ साथ मुखिया के पास भी अधिकार है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जो है कमी किया गया है। ऐसे में जब पंचायत चुनाव होगा, जब शुरू होगा 24 सितंबर से, तो इसमें जो है मुखिया और सरपंच के लिए सीधा टक्कर होगा, जिसमें कैंडिडेटों की संख्या में हेर फेर होने की बात जो है अब सामने आई है कि मुखिया से ज्यादा लोग सरपंच में भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर जो है दोनों का बदला है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।